झारखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने चुनावी तैयारी में जुट चुकी है, जिसको लेकर आज पाकुड़ में कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष जब से चेंज हुआ है, केशव महतो को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तभी से वो लगातार ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जा करके कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं और संगठन को मजबूती कैसे मिले इसको लेकर भी बात वार्ता कर रहे हैं। इसी निमित्त जो है आगामी 21 सितंबर को पाकुड़ का उनका दौरा है। बातें हम लोग एक चीज जानते हैं, कार्यकर्ता जो चाहेंगे वही हो। कार्यकर्ता का चाहत है कि हमारे नेता आलमगीर आलम थे, आलमगीर आलम है, आलमगीर आलम नहीं। बात की पार्टी का जो निर्णय होगा उसमें विरोधियों में से किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं। हम लोग चुनौती किसी को मानते ही नहीं है। साफ बात है, क्या हम लोग किसी को चुनौती मानेंगे? चुनाव है सभी का, ये सब लड़ेंगे, लोकतंत्र है, किसी को आप मनाने का किसी को रोक नहीं सकते हैं। हम अपने आप में क्या है वो चीज हमको मायने रखें। हम अपना बात को जनता के बीच में हम कैसे ले जाएं, जनता हमारे हमारे सरकार की हमारे गठबंधन सरकार को कैसे भरोसा करें, बस उतना में हम लोग हम लोग किसी को विरोधी नहीं मानते हैं। सब स्वतंत्र हैं अपने आप में तरीके से लोगों के बीच में जाने का, अपना बात रखने का। लोग जाएंगे, जनता आखिरकार तय करेंगे। अगर हम लोग ने अच्छा काम किया है, अगर हम लोग जनता को जो है उनका लाभ पहुंचा पाए, सरकारी योजना तक अगर लाभ जनता तक पहुंच पाया है, तो निश्चित तौर पर जनता हमें चुनेंगी। अगर जनता को लगता है कि नहीं ये लोग काम नहीं किए, ये लोग को हम लोग नहीं पसंद करते, नहीं चुनेंगे। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लेना चाहिए। इसमें कोई किसी के साथ पर्सनल रिवेंज नहीं है, किसी के साथ पर्सनल लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। उसी तरह से हम लोग का भी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, उनका आगमन जो है 21 तारीख को पाकुड़ जिला में होने जा रहा है। उन्होंने जब से अध्यक्ष बने हैं हर एक जिला में संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के तहत उनका जो अंतिम कार्यक्रम है झारखंड में, वो आपका पाकुड़ जिला में होने जा रहा है। वो जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज से होते हुए पाकुड़ आएंगे, ये उनका अंतिम कार्यक्रम है। उन्होंने इच्छा जाहिर किया था कि जो मेरा अंतिम कार्यक्रम होगा हम पाकुड़ में करना चाहते हैं। तो हमने उनको स्वागत किया कि आप जब भी बोलिए, हम लोग तैयार हैं। उसी का तैयारी के लेते हुए आज हमारे जितने भी अलग अलग पंचायत के जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे महिला कांग्रेस हो, चाहे हमारे मेन कांग्रेस हो, चाहे अलग अलग प्रकोष्ठ जितने भी संगठन हैं, आज सभी के साथ आज बैठक किया गया और सभी को निर्देश दिया गया कि किस तारीख का कार्यक्रम को कैसे हम लोग सफल बनाएं, उसके लिए आज बैठक हुई। ये जो प्रदेश अध्यक्ष जिला जिला देखिए, उद्देश्य हमारे अध्यक्ष जो है सीधा संवाद जो है कार्यकर्ता के साथ करना चाहता है। आप लोग देखा होगा कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं, वो निरंतर जो है हर एक जिला में जा रहे हैं, कार्यकर्ता को भावनाओं को समझ रहे हैं। सरकार ने जो भी कल्याणकारी योजनाएं इस चार साल साढ़े चार साल में किए हैं, उसको कैसे हम लोग जनता तक पहुंचाएं, इसके बारे में वो लोगों को संवाद कर रहे हैं। साथ ही साथ संगठन हम लोग कैसे मजबूत करें, आने वाले चुनाव में कैसे हम लोग सफल हो, इस कार्यक्रम के तहत पूरा जिला घूम रहे हैं। टिकट को लेकर साफ तौर पर तनवीर आलम का कहना है कि जो कार्यकर्ता है वही तय करते हैं कि किन्हें टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की जो चाहत है वो आलमगीर आलम ही है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी कि किन्हें टिकट देना है, पार्टी का जो फैसला है वह अंतिम फैसला है। हालांकि पार्टी को मजबूती को लेकर के ये कार्यकर्ता के साथ जो है सीधा संवाद करेंगे, ताकि आने वाला विधानसभा किस तरह से जीता जाए इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संजय सिंह, निजबास को पाकुड़।